जोगसर थाना में कुछ पदाधिकारी थे जिन्होंने मोटरसाइकिल की चोरी की बात सुनकर ठीक से बिहेव नहीं किया। उनकी कल काउंसलिंग की जाएगी, उनको कल चेतावनी दी जाएगी। अपने सख्त तेवर और कार्यशैली के लिए चर्चित आईपीएस भागलपुर एसएसपी बाबूराम लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। एसएसपी बाबूराम ने महज 14 दिनों में ही शहर की सूरत और पुलिस की कार्यशैली को बदलने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ अपराधी बल्कि पुलिस प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारी और जवानों की मुस्तैदी बढ़ गई है। शहर की बदतर ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो या जाम या फिर आपराधिक घटना, हर विषय को एसएसपी बाबूराम काफी गंभीरता से ले रहे हैं। अब हम आपको भागलपुर के तेज तर्रार पुलिस कप्तान बाबूराम के काम करने के एक और अंदाज के बारे में बताते हैं। दरअसल बीती देर रात सर्द हवाओं के बीच वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम शहर की सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न थानों को दिए गए निर्देशों के अनुपालन की सच्चाई का पता लगाने के लिए, जिसमें एसएसपी ने सादे लिबास में शहर के कई थानों की कार्यशैली का जायजा लिया। बता दें कि अधिकतर थाना में पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस, जैकेट और मास्क के कारण एसएसपी को पहचान ही नहीं सके। इस दौरान किए गए औचक निरीक्षण में पुलिस कप्तान आदर्श थाना कोतवाली समेत इसाकचक थाना, जुगसर थाना, ततारपुर, यूनिवर्सिटी, ललमटिया और नाथनगर थाना एक पीड़ित के रूप में पहुंचे और पुलिस की रात्रि कार्यशैली की जानकारी ली, जिसमें एसएसपी को अधिकतर थानों में अधिकारी और संतरी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे और एक फरियादी के रूप में सादे लिबास में पहुंचे एसएसपी से व्यवहार भी संतोषजनक पाया गया। वहीं इसको लेकर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि कई थानों में बाइक चोरी और असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान करने की शिकायत को लेकर वो पहुंचे, जहां पुलिस कर्मियों का व्यवहार शिष्टाचारपूर्ण दिखा और पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर तैनात दिखे। एसएसपी ने कहा कि जोगसर थाना को छोड़कर अन्य सभी थाना में पुलिस द्वारा समस्या को सुना गया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने उसके समाधान के लिए प्रयास भी किया, जबकि जोगसर थाना के ओडी पदाधिकारी और गश्ती ड्यूटी पदाधिकारी बाइक चोरी की शिकायत करने पर शिकायत दर्ज करने की बजाय अशिष्ट व्यवहार करते दिखे, जिसके लिए इन दोनों पदाधिकारियों को एसएसपी कार्यालय बुलाकर सोमवार को काउंसलिंग की गई और भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी गई। बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान बेहतर कार्य करते दिखे विभिन्न थाना के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारियों को जनता के साथ अच्छे व्यवहार के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे जनता पुलिस से फ्रेंडली बनकर अपनी बात रख सके। आज शहर में भ्रमण करके सभी थाना की सुरक्षा व्यवस्था, संतरी ड्यूटी, ओडी पदाधिकारी ड्यूटी, इन सब का एक औचक निरीक्षण करके जायजा लिया कि रात्रि में थाना की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले सभी थाना को निर्देश दिया गया था कि रात्रि में गेट सब खुला रखेंगे, संतरी ड्यूटी संतरी तैनात रहेंगे और ओडी में एक पदाधिकारी तैनात रहेंगे, ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि रात के टाइम पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन किसी के साथ हो जाती है तो कोई थाना पे आए तो उनकी शिकायत सुनकर तुरंत उनका हेल्प करें, समाधान करें। इस क्रम में आज 6-7 थाना पे हम लोगों ने विजिट किया अभी रात में, तो एक जोगसर थाना को छोड़ के बाकी सभी थाना पे संतरी भी ड्यूटी हम लोगों को मुस्तैद पाए और ओडी पदाधिकारी में भी सब लोग मिले हम लोगों को, और जो भी हमने शिकायत की मोटरसाइकिल चोरी की या रास्ते में कुछ गुंडा एलिमेंट के द्वारा गाली गलौज करने की, तो सब लोगों ने प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्स किया, अच्छे से बिहेव किया। जोगसर थाना में कुछ पदाधिकारी थे जिन्होंने मोटरसाइकिल की चोरी की बात सुनकर ठीक से बिहेव नहीं किया, उनकी कल काउंसलिंग की जाएगी, उनको कल चेतावनी दी जाएगी और जिन्होंने अच्छी ड्यूटी करके दिखाई उन सबको रिवार्ड किया जाएगा।